स्वयं सहायता समूह द्वारा टेक होम राशन को एनसीसीएफ को देने का विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर महिला मोर्चा कांग्रेस ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर सचिवालय कूच किया। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि कांग्रेस सरकार में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टेक होम राशन की सुविधा दी गई थी, जिसमें स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण व शहरी महिलाओं द्वारा यह कार्य किया जाता था, जिससे उनको भी रोजगार उपलब्ध होता था। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा भारत सरकार के उपक्रम एनसीसीएफ को 250 करोड़ में बिना किसी टेंडरिंग के देने की तैयारी की जा रही है, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का रोजगार छीना जा रहा है। इसके विरोध में सचिवालय कूच किया, वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रशांत दारे जो अपर सचिव है, उन्होंने निदेशक को लिखा है कि ये जो 250 करोड़ का जो टेंडर है, जो 250 करोड़ का जो योजना है जिसमें आपको पौष्टिक आहार देना है, उसमें सिलेक्शन हो गया एनसीसीएफ का बिना टेंडर प्रक्रिया के। जो हमारे प्रदेश के साथ 1 करोड़ से ऊपर कोई भी काम आप बिना टेंडर प्रक्रिया के नहीं दे सकते हो, वो एनसीसीएफ को दिया जा रहा है। और ये उन्हीं के डिपार्टमेंट की चिट्ठी है जिसमें ये लिखा है कि एनसीसीएफ को चयन किया गया है और उसके लिए आपको उसके जो कागज है वो पूरे कराने हैं, जबकि जो बाकी दो एजेंसी थे उनके कागज पूरे थे पर उनको नहीं दे गया। तो इसमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार की भू आती है। और दूसरी चीज है कि कल कैबिनेट की बैठक है और हम सब लोगों को जो अंदेशा है, जो जानकारी है, कल इसमें एमओयू साइन हो रहा है, इस एजेंसी को काम दिया जा रहा है। इसमें दो बड़े मुद्दे हैं कि एक तो बिना टेंडर प्रक्रिया के आप इतना बड़ा काम सरकार किसी भी उपक्रम को कैसे दे सकती है। दूसरा कि जो सरकारें महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं की बात कर रही है, बेटियों की बात कर रही है, आज जिन लखपति दीदी और लखपति दीदी यहाँ भी बैठी है जिनको सरकार ने सर्टिफिकेट दिए, जिनको 6 से 7 हजार रुपए महीना इस काम टेक होम राशन के द्वारा अर्न हो रहा था, उनसे उनका काम छीना जा रहा है। तो ये कांग्रेस आज भ्रष्टाचार की बात कर रही है, जिनके बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपये सेंटर से भेजता हूं और 90 पैसा गायब हो जाता है। वो कांग्रेस आज इस प्रकार की बातें कर रही है। जिस कांग्रेस के तमाम आला नेता बेल में, भ्रष्टाचार के मामले में बेल में बाहर है, वो कांग्रेस आज भ्रष्टाचार की, वो कांग्रेस जिनके समय पे खनन माफिया, भू माफिया, शराब सिंडिकेट्स माफिया सीधे 4th फ्लोर तक अपनी पकड़ रखते थे और उनके अनुसार कांग्रेस की सरकारें नीतियां बनाती थी, कांग्रेस आज इसमें दाखिल होती है। कांग्रेस केवल केवल आज कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा भी नहीं है, कांग्रेस आज लीडरशिप भी नहीं है। कांग्रेस के अंदर न मुद्दा है, न कांग्रेस के अंदर कोई विचार है, इसलिए कांग्रेस केवल केवल हवाबाजी कर रही है, हवा में इस प्रकार के प्रदर्शन करती रहती है। और जिस प्रकार से हवा में वो सोचते हैं, जिस प्रकार से हवा में